Yes, students, see 39th illustration. And the page number is 2.54. This is A is to B, 3 is to 2. Yes, a very, very important point which you have to consider every time. Whenever the balance sheet comes into question, what you have to do in that case? जब हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रखी है तो हम लोगों को क्या उसे मानना है? बैलेंस शीट में जो कैपिटल दे रखी है, फर्स्टली यू हैव टू टेक इट एज क्लोजिंग कैपिटल। ये हम लोगों ने पहले भी जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला टॉपिक किया होता है तो भी मैंने आपको बताया होता है कि व्हेनेवर द बैलेंस शीट में कैपिटल गिवन है, आपने उस कैपिटल को क्लोजिंग कैपिटल मानना है। एंड इफ यू विल टॉक अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन फॉर द पर्पस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आई ऑलवेज रिक्वायर द ओपनिंग कैपिटल इन द क्वेश्चन, राइट? So let's see. Following was the balance sheet. एक साइड पे उसने sundry assets दे दिए, means मिले जुले assets, combined assets, और दूसरी साइड पे दोनों बंदों की capital दे रखी. I will write their closing capital here. Closing capital. This is for A. This is for B. A's capital is 60,000. B's capital is 20,000. Right? Yes. What he said. अब गलती कहाँ पे हुई? क्योंकि मेरे को पता है कि आई एम डूइंग द टॉपिक ऑफ माय पास्ट एडजस्टमेंट, तो आई हैव टू सर्च कि वेयर द मिस्टेक इज एक्चुअली अपर। प्रॉफिट 30,000 था जो पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया गया बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्हें दिए और बिना ए को सैलरी दिए। ए और बी दोनों की ड्रॉइंग कितनी कितनी थी? 10,000 और 20,000। आपको सिखाया हुआ है सिंगल एंट्री सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट भी यही कहता है, ड्रॉइंग्स ऐड कर दीजिए, एडिशनल कैपिटल माइनस कर दीजिए, अगर प्रॉफिट दे चुके हैं तो प्रॉफिट भी माइनस कर दीजिए। So profit they have divided in the ratio of 3/5 and 2/5. 30,000 3/5, 18,000 and 12,000. Profit minus करिए, add profit. What I am going to calculate here, students? Let me write here calculation of opening capital. Because interest on capital he has not charged, and in order to calculate interest on capital, what I require the opening capital. So calculation of opening capital. This is a part of your working note, right? So this is for A and B. Profit, add profit. I told you 18,000 and 12,000. Add करिए 78,000 and this will be 32,000, right? Minus हो गया profit. अब उसके बाद क्या है? Drawings. Drawings are to be added. And he gave me in the question yearly drawing. उसने मेरे को पूरे साल की drawings दे रखी हैं. So that are A for की 10,000 है, B की 20,000 है. So after adding up drawing, his opening capital is 88,000 and B's opening capital is 42,000. अब इसके ऊपर उसने बोला है 12% के हिसाब से we have to calculate interest on capital. इसका 12% calculate करिए. That will come to you. This will be 6240 and this will be 3360. Right? 3360 आपका B का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया जो आपने नहीं चार्ज किया, तो अब चार्ज कर देंगे। यहाँ तक अभी वर्किंग नोट है, अब सेकंड वर्किंग नोट में आऊंगी मैं, जिधर मेरे को क्या बनाना है? एनालिसिस टेबल। कल भी बात करी थी, जो चीज नहीं दी वो अब दे दो, और पार्टनर्स को अगर कुछ भी देना है तो उनकी कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे। जब मैं एनालिसिस टेबल बनाऊंगी तो ए की कैपिटल के क्रेडिट वाले कॉलम में मैं 6240 लिखूंगी, बी के क्रेडिट वाले कॉलम में 3360 लिखूंगी। इसके अलावा व्हाट ही सेज कि ए को सैलरी नहीं दी 1000 पर मंथ, तो ए को सैलरी अब दे देंगे, दैट विल बी 12,000 उसकी कैपिटल में क्रेडिट होगा। लेकिन ये सिर्फ सिंगल इफेक्ट है। अब मैंने इसका इफेक्ट किस पे देखना है? प्रॉफिट पे। तो पुराने वाला प्रॉफिट इस रेशियो में वापस ले लीजिए और नया प्रॉफिट निकालिए। तो नया प्रॉफिट यहाँ पे मैं निकाल देती हूँ आपके लिए। आई एम गोइंग टू प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। व्हाट इज दिस 60,000 माइनस 18,000? It's not minus, it's to be added. Okay, right. Good. Profit is to be deducted by. मैंने profit add कर दिया. This is 42,000. Good. इधर 12,000 minus किया तो this is 8,000. Drawings add करनी थी. So that will come to me 52,000. And here I will write 28,000. Very good, Vaibhav. Right, so 52,000 का 12% that I copied from your book 6240 interest on capital, और इसका interest on capital है 3360, right? अब मैं क्या बनाने लगी हूँ कि profit सही वाला profit कितना आएगा? 30,000 was your profit which was a wrong profit,
उसमें आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं चार्ज किया था, पी एंड एल आपने ऑपरेशन बना रही हो रफ में, तो इस साइड पे लिख दीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। उसमें से आपने सैलरी नहीं चार्ज करी थी तो अब चार्ज कर दीजिए, कितना टोटल बनेगा, जीरो, दिस इज जीरो, सिक्स, बारह और तीन पंद्रह और छह इक्कीस और थ्री, 3160, तो लॉस बन रहा है, यस, देन वी विल बी हैविंग अ लॉस, ठीक है, 1600 लॉस बन रहा है, पहले क्या था 30,000 प्रॉफिट, अब क्या आ रहा है 1600 लॉस बन रहा है। वो जैसे मर्जी करे, मैंने आपको पुराना प्रॉफिट वापस लेना सिखाया है और नया सही वाला प्रॉफिट अपने पार्टनर्स को देना सिखाया है। चलिए जी करना शुरू करते हैं एनालिसिस टेबल। हर चीज का डबल इफेक्ट जब तक आप इस चैप्टर में नहीं सोचेंगे, योर क्वेश्चन विल नॉट बी करेक्ट। सो इन ऑर्डर टू मेक इट अ राइट सॉल्यूशन ऑफ योर स्टेटमेंट, यू नीड टू थिंक दैट वी इन अकाउंटेंसी आर हैविंग अ कॉन्सेप्ट दैट इज डबल एंट्री कॉन्सेप्ट। दिस इज माय एनालिसिस टेबल, कल भी बात करी थी एनालिसिस टेबल की। जो अब किया है पुरानी गलतियों को सुधारने के लिए, वो उनकी कैपिटल में या तो टू बी प्रोवाइडेड लिख लीजिए या टू बी क्रेडिटेड लिख दीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% नाउ प्रोवाइडेड, तो अभी कैलकुलेट करके बताया आपको, 6240 3360, राइट। उसके बाद क्या नहीं दिया था हम लोगों ने, ए को सैलरी नहीं दी थी, सैलरी एट द रेट ऑफ 1000 पर मंथ, 1000 पर मंथ ही है ना, देखो मैंने एक बार स्टेटमेंट पढ़ी थी पहले, यस इट इज 1000 ओनली, 1000 पर मंथ इज नाउ टू बी क्रेडिटेड टू ए, इज नाउ टू बी क्रेडिटेड टू ए, जो नहीं हुआ अब करो और जो गलत हो गया उसे सही करो, राइट। तो ए को सैलरी दे दीजिए 12,000। पुराने वाला 30,000 वाला प्रॉफिट में हमेशा हर क्वेश्चन को ऐसे करूंगी, अपने हिसाब से क्राइटेरिया चेंज कर लेता है, हियर बाय ही इज डूइंग विद द डिफरेंस बट आई विल नॉट, राइट। मैं पुराने वाला प्रॉफिट वापस दूंगी, प्रॉफिट ऑफ रुपीज 30,000 रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ टू बी डेबिटेड, रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ टू बी डेबिटेड। अब उसे वापस ले लो, और पार्टनर से कुछ भी वापस लेना है तो हम उसे डेबिट किया करते हैं, नाउ टू बी डेबिटेड, राइट। सो वी आर गोइंग टू डेबिट इट 30,000। जब हम लोगों ने ओपनिंग कैपिटल निकाली है तो 30,000 का 18,000 एंड 12,000 आई एम डेबिटेड। अब मेरा प्रॉफिट कितना आया है, प्रॉफिट नहीं आया, लॉस आया है, सो दिस लॉस आई हैव टू गिव टू माय पार्टनर्स, एंड इन विच रेशियो, द रेशियो इज 3:5 एंड 2:5, ये कितने में जाएगा भाई, 15 1 15 3 sir right 1 5 5 3 sir 50 5 2 sir 320 320 को 370 किया 0 6 960, एक को लॉस हुआ 640, दूसरे को लॉस हुआ, सो दिस इज आल्सो टू बी डेबिटेड नाउ 960 एंड 640। अब मैच करते हैं हमारा दोनों का, एक का उतने से डेबिट आए और दूसरे का उतने से ही क्रेडिट आए, देन वी विल सी कि हमारी एडजस्टमेंट एंट्री ठीक होने वाली है, ठीक है। सो लेट मी सी हियर, इस साइड का जब मैं टोटल करती हूँ तो वो आ रहा है 18,240, इस साइड का जब मैं टोटल करती हूँ तो यहाँ पे आ रहा है 18,960, मींस इस बंदे से, ए से मैंने 18,960 वापिस लेना है और इसे इतना हम लोगों ने देना भी है। बुक में जरा देखो, बुक में उसने लॉस कितना बनाया है, लॉस टू बी डेबिटेड, ही मेक द लॉस 21,600। सो लेट्स सी वंस अगेन योर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट,
Let's see once again. P&L appropriation mein what he did.